ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं एक ऐसा आपको ताबीज़ बनाना सिखाऊंगा, एक ऐसी मूरत बनाना सिखाऊंगा जो कि आपके जीवन भर काम आएगी। एक ऐसी प्रतिष्ठा करना सिखाऊंगा जिससे कि एक ऐसी प्रतिमा आपके पास होगी जो कि 2400 घंटे आपकी सहायता करेगी। एक ऐसा ताबीज़ जो कि आने वाले संकटों से आपको बचाएगी। एक ऐसी शक्ति जो कि किसी भी तरह की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगी और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ सफ़ेद आग की। सफ़ेद आग जिस घर में होता है वहाँ पर सुख सुविधाओं की होड़ सी लग जाती है। जिस घर में सफ़ेद आग होता है वहाँ पर वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत लगातार बने ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। और इसी का एक तांत्रिक प्रयोग है जो सफ़ेद आग का गणपति हम बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग सफ़ेद आग की जड़ को खोदकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके तांत्रिक विधि से उसको जागृत करके अपने घर में सजाते हैं और इससे अनेकों लाभ उन्हें मिलते हैं। और ऐसा मैंने वास्तविकता में भी देखा है। जिस घर में कुछ नहीं था वहाँ पर श्वेत आग का जो गणपति लाया गया वहाँ पर लोग माला माल हो गए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसकी सही विधि क्या है। सिर्फ एक आग का पौधा लगा देने से आपको फल नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, कुछ ऐसे वार तिथि होती हैं जिनमें कि ये प्रयोग किए जाते हैं और वही सब आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी इस प्राचीन गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं, कैसे आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे गणपति जो है वो आपके जीवन में आपके सहायक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद आग का पौधा अपने आंगन में लगाइए। वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर कि आपका सिंह द्वार हो। जब आप दरवाज़ा खोले तो आपके राइट हैंड साइड में वो पौधा लगा होना चाहिए, आपके सिंह द्वार के राइट हैंड साइड में। उसको एक साल दो साल तक बड़ा होने दीजिए, या फिर आप किसी नर्सरी से बड़ा पौधा भी ला सकते हैं, या फिर आपको कहीं जंगल में या फिर कहीं पर भी अगर उपलब्ध हो जाए तो आपको उसकी जड़ प्राप्त कर लेनी है। जड़ प्राप्त करके आपको जड़ को छील लेना है। जड़ को छील कर कारपेंटर को या फिर किसी भी ऐसे आर्टिस्ट को दे दीजिए जो कि इसकी मूर्ति बना दे। अब ये सारा काम आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप उसको मूर्त की तरह नाल बनाना चाहें तो सिर्फ एक उसकी जड़ ले लीजिए। और ये सारा प्रोसेस करना कैसे वह मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप ये प्रोसेस करना शुरू करें उससे एक महीने पहले से आपको जो है किसी भी प्रकार की मादक वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। सात्विक होकर एक महीने से आपको भगवान शिव की आराधना में लग जाना है और उसके बाद ये प्रोसेस करना। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में भी ये सफ़ेद आग का पौधा होगा उसके पास हर तरह की सुख सुविधा होगी और नकारात्मक ऊर्जाएं उसको छू भी नहीं पाएंगी। और ये जो गणपति है इसको पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और यदि आपने इसको सिद्ध कर लिया तो साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। यदि आप गणपति को उसमें प्रतिष्ठित कर पाएं, आप सक्षम हो जाएं कि आप गणपति के जो प्राण है वो अपने यंत्र में डाल सकें, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाद इस भूलोक में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होगा। आप जो जहां पर किसी भी बिजनेस में हाथ डालें, किसी भी काम में हाथ डालें, वहां पर आपको सफलता ही मिलनी है। अगर आप इस गणपति को जो आप अभी अभिमंत्रित करेंगे इसको फुल मून में या अश्लेषा नक्षत्र में
अपने घर में लेकर आते हैं तो ये आपको वेल्थ देगा। और यदि आप फुल मून में, अगर आप सिर्फ पैसा ही चाहते हैं, तो आप इसको फुल मून में आप प्रयोग में ला सकते हैं। जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन आपको इस सफेद आग की जड़ को धरा से अलग कर देना है और उसको छील कर आपको इसकी एक मूरत बना देनी है जो कि गणेश जी से मिलती जुलती होगी। उसके बाद आपको इस पर गणपति का ये मंत्र 41 बार जाप करना है और विधिवत पूजा करके आपको इस गणपति को मौली में लपेटकर अपने जो आपका गल्ला होता है वहाँ पर रख दीजिए या फिर अपने मंदिर में रख दीजिए, तो सुअवसर आपके पास आते रहेंगे। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई अवसर नहीं होगा जहाँ पर कि आपको कोई निराशा हो। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम स्वतः ही अपने आप बनते जाएंगे और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। अनजाने रास्तों से पैसा आना शुरू हो जाएगा, जो काम रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। अभी पिछले साल की बात है, मैंने कम से कम 20-25 ये श्वेतार्क के जो हैं पौधे और इनकी जड़ें दी थी, तो जिस जिस घर में ये पौधे लगे थे उन्होंने इनका जो है श्वेतार्क गणपति बनाया और इसके बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। कई बार क्या होता है कि कई लोग जो हैं आवेश में आकर बंधन कर देते हैं, कुछ तांत्रिक प्रयोग कर देते हैं जिससे कि चलता हुआ बिजनेस, चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। उस समय पर ये तंत्र आपके बहुत काम आने वाला है। जो गणपति हैं वो हैं विघ्नहर्ता, अर्थात किसी भी तरह की विघ्न, अगर कोई अलौकिक शक्तियाँ हैं जो आपको रोक रही हैं या फिर कोई आदमी है जो आपसे क्लेश रखता है वो कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसमें भी ये बहुत लाभदायक है। जब गणपति आपके पास होंगे तो आपके जो सपने हैं उनको पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको प्रतिष्ठित श्वेतार्क गणपति भी मिल जाएगा, हम ये प्रोवाइड करते हैं। जिसको भी ऑर्डर करना हो कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर, या फिर आप बना भी सकते हैं अपने घर में। और मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपतये वर वरद सर्व जन्म मे वश्मनाय स्वाहा। इस मंत्र का 41 बार अपने श्वेतार्क गणपति पे अभिमंत्रित कर दीजिए ये मंत्र को, और इससे विधिवत पूजा करके गणपति को अपने घर में प्रतिष्ठित करें। इसके बाद आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, रुके हुए अवसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, बंद दुकान खुल जाएगी और ऐसे ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब नकारात्मक, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको हटाकर वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएं लाने में ये सक्षम है। ये आर्टिकल एक ऐसा वरदान है जो कि जिसके पास होगा वो रंक से राजा कुछ ही दिनों में बन जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं sirstops.com पे, यहाँ पर आपको इसकी पूरी विधि मंत्र एक लयबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। धन्यवाद।